तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत जितनी बड़ी होती शक और वसवसे उतने ही बड़े होते। मैं जानता हूं फरीद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन जब जब मैं उसे तुम्हारे साथ देखता मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों ज़रियाब, ऐसा क्यों है? ये इसलिए कि उसके दिल में मोहब्बत तुम्हारे लिए खत्म नहीं है। उसकी हसरत भरी नजरें हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहेगी। तुमने देखा नहीं, उसने कहा था ना वो शहर छोड़कर दूर चला जाएगा, लेकिन वो इतना ही तुम्हारे करीब आ गया। मैं जानता हूं मैं जानता हूं ये नफ्सियाती मसला, मैं क्या करूं? तुम ये करो कि उसे कहो कि ये शहर छोड़कर चला जाए। हाँ, जब तक वो यहां रहेगा कहीं ना कहीं मेरे सामने आता रहेगा और मुझे एहसास दिलाता रहेगा कि यहां कोई और भी है जो मेरी सोहानी को मुझसे ज्यादा चाहता। ज़रियाब, मैं फरीद से कैसे कहूं कि वो यहां से चला जाए और क्यों कहूं? वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। क्या कहूं उसे, उसको किस जुर्म की सजा मिल रही है? और अगर मेरे कहने से वो चला भी गया फिर भी आपके दिमाग से नहीं जाएगा वो ज़रियाब, आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़रियाब प्लीज अपनी सोच का अंदाज बदल दें वरना ये पागलपन हमारी जिंदगी तबाह कर देगा। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। सॉरी, प्लीज मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, जो बातें कर रहा हूं मैं जानता हूं ये बहुत घटिया बात है, मुझे खुद को बहुत बुरी लग रही है, बहुत बहुत घटिया बात है, लेकिन तुम समझ रही हो ना, समझ रही हो ना तुम मैं क्यों कह रहा? तुम सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का दिला, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे लिए। आई लव यू सोनी, आई लव यू सो मच। तुम सोच रहे हो कि मैं पागल हूं, शायद मैं पागल हूं, लेकिन याद रखना मैं पागल हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हूं। सॉरी। अच्छा जरा आप उठे प्लीज और थोड़ा सा रिलैक्स। ठीक है सोहानी, लेकिन वो प्लीज तू फरीद से कुछ मत कहना, ठीक है? जी, आप पता है सोहानी, हम लोग ना हम खुद जाएंगे बहुत दूर, बहुत एक अच्छे से आइलैंड पे जाएंगे हम लोग। वहां ना हम लोग उसे तुमने सोचा था ना कि कॉटेज लेंगे हम लोग, वहीं पर रहेंगे हम लोग, ठीक है? फरीद से कुछ मत कहना, ठीक है? ये ले बेटा, दूध पी ले। क्या बात है फरीद बेटा, इतना उदास क्यों है?
अम्मा आज सुहानी से मुलाकात हुई। कहाँ? एक बंगले पर काम करने गया था, वहाँ वो भी आई हुई थी किसी दावत पर, अपनी सहेली के घर जरियाब के साथ। कैसी थी वो? तुमसे कैसे बात की उसने? अच्छी थी, मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन सरियाब को अच्छा नहीं लगा। चल छोड़, तुझे क्या उससे लेना देना। अम्मा मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरी उससे मुलाकात हो, लेकिन पता नहीं क्यों किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के आमने सामने ले आती है। अच्छा ना होता हम ये शहर छोड़कर चले जाते। कैसी बातें कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? हम कोई चोर है जो हम शहर छोड़ के जाएंगे? ये बात नहीं है अम्मा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सुहानी की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए। मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश है सुहानी जहां रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। आज माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हो। यस डैड, आज बहुत गहरी नींद सोया था। लेकिन बेटा तुम अपनी मेडिसिन का जरा भी ख्याल नहीं रखते हो। रात मैंने रानी को मेडिसिन दे के भेजा था, तुम सो चुके थे। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो जरा बहुत गहरी नींद सो रहे थे इसीलिए मैंने उन्हें नहीं उठाया। चलो अच्छा किया, चलो भाई नाश्ता शुरू करो। अब आंटी आप जरा आपको कौन सी मेडिसिन देती हैं? कौन सी मेडिसिन, क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जरा आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस महसूस करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जरा हेल्दी रहे। तुम्हें तो पता ही है कि हम अपने बच्चों की सेहत के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आज से जरा आपको मेडिसिन मैं खुद दूंगी। आइडिया तो अच्छा है, क्यों सायरा? जैसे आप चाहें, अगर आप कहें तो मैं आज से ही जरा आपका डाइट प्लान भी सुहानी को दे देती हूँ। खाने पीने का सारा ख्याल आप सुहानी ही रखेगी, बल्कि मेडिसिन का बॉक्स भी इसे ही दे देना चाहिए। नहीं मॉम, मेडिसिंस मैं खुद लूंगा, कोई बच्चा तो नहीं हूं। दैट्स गुड, मगर जरियाब तुम अपनी सेहत के बारे में बहुत केयरलेस हो। सुहानी बेटा इस पर नजर रखना। डोंट वरी अंकल, मैं इन पे बहुत अच्छी नजर रखूंगी। छोटी बेटी आपके अम्मी अब्बू। ओ सुहानी बेटा बैठ के नाश्ता करो। नाश्ते की टेबल से इस तरह से उठ के जाना अच्छी बात नहीं होती, बाद में चले जाना। तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम अभी आते हैं। देख लें सकीना भाभी, आपकी बेटी माशाल्लाह से हमारे घर में कितनी खुश है। और इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेगी। इंशाल्लाह बच्चे खुश हो तो माँ बाप तो खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। शाह साहब आप लोग कभी आए ना हमारे घर खाने पर? अरे अहमद साहब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की क्या बात है भाई साहब, एक दूसरे के घर आना जाना, मेल मिलाप, ये तो अच्छी बात होती है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। आप जरूर आइएगा। आप कहती हैं तो किसी दिन बनाती हैं प्रोग्राम। जी जी देखते हैं। आंटी अपनी बेटी से अच्छी तरह से मिल लो, फिर पता नहीं आपकी मुलाकात कब। क्यों? ये हनीमून पे जा रहे हैं ना, फिर पता नहीं कब वापस आए। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? अरे अहमद साहब सारी दुनिया उनके सामने है, जहाँ चाहे चले जाए, जब तक चाहे घूमे फिरे। भाभी आप मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है। जी सुहानी बेटा तुम भी आओ ना।
मैंने सुहानी के लिए कुछ जेवर मंगवाया था, मैंने सोचा आप भी देख लें। सुहानी देखो, पसंद करो इनमें से, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? अब बट आंटी, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्वेलरी है, 5-6 सेट तो होंगे तकरीबन। बेटा वो तो सब बड़ी के हैं, ये हमारी तरफ से हैं, एक मेरी तरफ से और एक तुम्हारे अंकल की तरफ से। देखो जो तुम्हें अच्छा लगता है 2 सेट इसमें से ले लो। ये तो सारे बहुत अच्छे हैं। आप आंटी, आप खुद ही सिलेक्ट कर लें, मुझे अच्छा लगेगा। गुड गर्ल। मेरे ख्याल से ये तुम पे बहुत सूट करेगा। बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब एक तुम अपनी पसंद से डिसाइड करोगी कि कौन सा तुम्हें चाहिए। सोनी, ये वाला बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है। चले, ये भी तुम्हारा होगा। इन सबको जाकर अपनी ज्वेलरी के साथ संभाल के रखो, मैं किसी दिन आके देखूंगी। थैंक यू सो मच। बेटे अपने अंकल का भी शुक्रिया अदा कर देना, वो भी खुश हो जाएंगे। अब जाओ। अल्लाह ताला मेरी बेटी की नसीब और अच्छे करे। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया आपकी बेटी कितनी खुश है हमारे घर में। आलीशान बेंगलोर में रहती है, बड़ी से बड़ी गाड़ी में फिरती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, एक से बढ़कर एक जेवर है उसके पास, और तो और अपने हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमने जा रही है। इससे अच्छा नसीब और क्या हो सकता है किसी बच्ची का। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अहमद साहब, अब आप आए हैं तो एक ऑप्शन ज़हन में आया। जी 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 जी, कहिए। आपको याद है कि हम एक स्टिचिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं? जी जी, वो जिसकी फिजिबिलिटी मैंने आपको बना के दी थी। एग्जैक्टली, वही वही वही। वो फिजिबिलिटी अब अप्रूव्ड हो गई है और हम चाह रहे हैं कि 1-2 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। बेहतरीन। अगर आप चाहें तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आ सकते हैं। जी मैं? आप? भाई कंस्ट्रक्शन की स्टेज से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ आपको देखना होगा, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। शाहजाद, मैं सोच कर आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छी तरह सोच ले। जी जी बिल्कुल। आओ 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 सुहानी बेटी, आओ आओ मेरे पास बैठो, शाबाश। आओ आओ आओ। अंकल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। अरे किस बात का शुक्रिया बेटा? अंकल ने मुझे एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। अरे वो तो मैंने खुद नहीं देखा, दिखाओ बेटा। ये वाला है। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगेगा तुम पर। बहुत अच्छा है, खूबसूरत, माशाल्लाह। थैंक यू। आप अंकल, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। अच्छा नहीं होगा अगर आप ज़रियाब को भी अपने साथ ऑफिस लेकर जाएं? अरे बेटा वो भी हो जाएगा, वही मैं अभी आपके अब्बा से डिस्कस कर रहा था, लेकिन फिलहाल तो मैंने ज़रियाब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पता नहीं उसने तुम्हें बताई है कि नहीं। ज़रियाब, ये जेवर देखे, ये वाला सेट कितना प्यारा है ना। प्यारा है ना? हाँ प्यारा, लेकिन मैं तो तुम्हें देखा, तुम इससे भी कहीं ज्यादा प्यारा। मेरे पास पूरे 7 सेट हो गए अब। 365 होंगे ना, तब भी औरत खुश नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जेवर का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं बस इसलिए पहनना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छी लगो। सुहानी, तुम मुझे ज्वेलरी की वजह से थोड़ी अच्छी लगती हो। तैयार होकर पहनूंगी तो पता चलेगा कितनी अच्छी लगती हूँ। चलो तुम तैयार हो जाओ, फिर मुझे दिखा, मैं जब तक डैड से मिल कर आता हूँ।
ज़रियाब, बेटा लॉन्ग हनीमून तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी मेडिकेशन, तुम्हारी डाइट सब डिस्टर्ब हो जाएगी। आई नो डैड, जिंदगी में ये वक्त फिर कभी नहीं आएगा। कुछ दिनों के लिए चले जाओ, 1 week is enough. Let's see. सोहानी का पासपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। लेकिन बेटा 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, हम तो 1 दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। Yes, sir. बेटा मैं सोच रहा हूँ कि हमें सोहानी को बता देना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों यकीन है कि तुम्हारी रिकवरी में सोहानी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तुम बताओगे तो वो समझेगी कि तुमने उसे अंधेरे में रखा है। ये जिम्मेदारी मुझे ही उठाने दो। वैसे तो तुम्हारी मॉम कह रही थी कि वक्त आने पर वो खुद उसे बताएगी। बेचारी सकीना आई तो मुझे कुछ कहने थी, लेकिन मैंने भी उसे बोलने नहीं दिया। वो कैसे? मिसेस मांडीवाला सोने की चमक बड़े बड़ों की जुबानें बंद कर देती है। और जब मैंने 2 सोने के सेट उसके सामने सुहानी को गिफ्ट किए तो उसकी तो शक्ल देखने वाली थी। क्या तुमने उसे गोल्ड के 2 सेट दिए? 2 गिफ्ट किए और साथ ले भी लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सुहानी का पूरा जेवर मेरे लॉकअप में पहुंच चुका है। इस घर से अब जब भी सुहानी जाएगी खाली हाथ जाएगी। बेचारी सुहानी।